पांडे जी पांडे जी अरे बाकी लोग खाली मीडिया वाले अंग बंधु से सम्मान मान रहे हैं। अभी वार्तालाप जो है अभी सम्मान समारोह होने के बाद में जो है वार्तालाप होगी। अभी अभी हमारे कैलाश पांडे जी हमारे अतिथि पूर्व मुखिया के हमारे संघ के अध्यक्ष जी ज्यादा नहीं दो मिनट संबोधित करेंगे और लोग अतिथि को संबोधित करने के लिए आग्रह करेंगे। संतान प्रतिपद के शिविरों में नमन करता हूँ जिन्होंने अपना संस्कृति छोड़ करके हमें यह त्यौहार मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सैनिकों की एक ही अभिलाषा होती है, मुझे काम चाहिए, मुझे धन चाहिए और मन से भरा ये वतन चाहिए। जिंदा रहूं तो वतन के लिए, मरूं तो तिरंगा अपन चाहिए। मैं विशेष न करते हुए हमारे मुख्य अतिथि फर्मा के चेयरमैन श्री राकेश पांड्या जी, पूर्व मुखिया श्री कृष्ण प्रसाद जी, ECHS के OIC साहब और हमारे परिचित सभी नेतागण अधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए मत पत्तिया, मैं प्यार आत्म संगठन की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आग्रह करता हूँ कि अपने मृदुबानी से हमारे वीरांगना माताओं और हमारे भाइयों को संबोधित करेंगे। वंदे मातरम। आज गंतव्य गंतव्य जैसे कार्यक्रम में आपने मेरे को दोबारा बुलाया है। साल में दो बार भेंट हो जाते हैं इसी बात है और मंच पर सभी भी गणमान्य जो भी अतिथि बैठे हैं, चाहे वो सैनिक संघ से जुड़े हुए हों या यहाँ के पूर्व मुखिया हो हमारे मनीष ठाकुर जी होंगे यहाँ के, हम लोग जो कहीं ना कहीं शहीद की फैमिली से आते हैं, उनके परिवार चाहते हैं, उन सभी लोगों का मेरा अभिनंदन। देखिए हम लोग पहले भी बोलते आए हैं अगर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो आप उनके किए हुए कार्यों का लोगों तक पहुँचाएँ, उनके परिवार जो शहीद के पत्नी हैं जो जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। क्योंकि उन्होंने अपने लिए देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, देश के लिए अपना सब कुछ खोया है, तो आपका यह कर्तव्य और धर्म बनता है कि आप उनके परिवार के लिए, उनके लिए और उनकी याद में, उनके सम्मान में जितना कुछ कर पाए वह कम है और आप करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग कोई वो नेताजी वाला भाषण तो हम देंगे नहीं, नहीं, हम लोगों ने आपके यहाँ बहुत सारा काम करने का जिम्मा उठाया है और वो जिम्मा पूरा करने का कार्य भी कर रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कि मैं एक सर्टन परसेंटेज में जो भी लोग शहीद परिवार से आते हैं उनको हम लोग कहीं ना कहीं रोजगार देंगे, उनको स्वावलंबन देंगे, उनको स्वरोजगार देंगे, ताकि जो परिवार अपने परिवार के मुखिया को खोने के बाद कमजोर पड़ गया है, जिस परिवार का मुखिया ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उस परिवार को एक एक सहारा मिल सके, उनको स्वावलंबी बनाया जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके।
उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों ने तय किया है कि 5 लोगों को ब्रावो फाउंडेशन और ब्रावो फार्मा मिला के हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे, जिनकी नियुक्ति 1 मार्च 2020 से तय मानी जाएगी और भविष्य में भी कम से कम 20 से 30 लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। तो ये हमारा जो प्रयास था, जो शुरुआत थी, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, कोई ऐसा नहीं हमने 1000 लाख को नौकरी दे दी, लेकिन शहीद परिवार से जो चमचारण के शहीद हैं उनके परिवार से 5 लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देके ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस तीन क्षेत्र में हम लोग काम करने का वादा किए थे उस तीन क्षेत्र में हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। एक रोजगार था, एक स्वास्थ्य था और एक शिक्षा था। तो आप लोग इस चीज को आप भी अभी स्तर से आगे बढ़ाइए कि अगर आपके आसपास में कोई शहीद का परिवार हो और आने वाले भविष्य में आपको लगता है कि इस परिवार की उचित मदद की जा सकती है तो हम तक बात पहुंचाइए, हम लोगों को इसकी सूचना दीजिए और यथासंभव हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने तरफ से कोई सकारात्मक सहयोग दे सकेंगे। और इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा विलंब से आया हूँ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पहले उनको नियुक्ति पत्र दी जाए, देखिए झंडा हम लोग हर साल फहराते हैं, तिरंगे की बात हम जीवन भर करेंगे, लेकिन जिस तिरंगे की हिफाजत शहीदों ने अपनी शहादत दी उनका सम्मान अगर आप नहीं करते हैं और वो भी सकारात्मक और सच्चाई से तो आप भागी माने जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम में यहाँ आए।